क्लियरली शार्पली उन्होंने क्या किया, एक तरह से वो सच पूरा जो है ठाकुर बारी को सच कर दिया। उस वृद्ध के अलावा एक्सेप्ट दैट ओल्ड मैन, दूसरा ठाकुर बारी नो वन कैन, मतलब नो अदर पर्सन इन दैट, मतलब ठाकुर बारी में कोई दूसरा पर्सन नहीं था। तो हरियर काका के भाई चिंता, परेशानी, दुखद आश्चर्य से घिर गए। चिंता मतलब आप लोग जानते हैं एनाइक्सिटी, ओके ना, और परेशानी का मतलब ट्रबल में, और दुखद मतलब सैड में, क्योंकि उन्हें हरियर काका की चिंता हो रही थी, ओके ना। हरियर काका के लिए वे लोग जो है पूरी तरह से सोच रहे, टेंशन में आ रहे थे कि अरे कोई भी पर्सन ठाकुर बारी में नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ उस ओल्ड मैन के एक्सेप्ट, ओके ना, एक्सेप्ट ओल्ड मैन, नो वन कैन देयर, ओके देयर। इसीलिए उन्हें जो है हरियर काका की चिंता होने लगी। ठाकुर बारी के महंत और साधु संत हरियर काका को लेकर कहाँ गए, ठीक है ना। हरियर काका को महंत और जो साधु संतों ने उन्हें कहाँ लेकर गया, हाँ, उसके बाद अब क्या हो गया और कहाँ भाग गए, वेर देर वे वेर देर, मतलब ये सारे लोग जो है रन अवे। उसके बाद ये उनको ये लग रहा है कि अब क्या होगा, नाउ व्हाट विल हैपन। काफी पैसे खर्च कर, ठीक है ना, काफ़ी पैसे, इनफ मनी जो स्पेंड किया है, किस पर स्पेंड किया था उन्होंने, पुलिस वालों पर, ठीक है ना, पुलिस वालों पर उन्होंने जो है काफ़ी पैसा, काफ़ी रुपया मनी जो है स्पेंड किया था। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। जब वो अपने साथ ठाकुर बारी के आते समय पुलिस वालों को लेकर आ रहे थे, वे इनसाइड हिम दे प्राउड फील, क्या प्राउड फील कर रहे थे कि कैसे भी पुलिस वाले हमारे साथ आ रहे हैं और हरियर काका हमें मिल जाएंगे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाए, इजिली दे टेक अवे द हरियर काका टू होम, ओके। बट क्या हुआ, साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, और क्या सोच रहे थे कि ये जो भी सैंट और सागा से इनको जो है प्रिजन, मतलब एक तरह से जेल भिजवाई जाएगी, जेल हो जाएगी। लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ, ना साधु संतों को जेल भिजा सके, ना हरियर काका को फाइंड आउट कर सके। दोनों में से कोई भी वन वर्क भी जो है फुलफिल वे लोग कर नहीं पाए, या उन्हें किसी तरह का सेटिस्फेक्शन वहाँ पर मिला ही नहीं। जिस वर्क के लिए वो लोग गए थे वहाँ पर वे सक्सेस नहीं हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को पता चला बच्चों कि ठाकुर बारी में ही महंत ने वहाँ हरियर काका को छिपा रखा है। इस बात का उनको डाउट था, किनको डाउट था, एक तरह से हरियर काका के ब्रदर्स को। दैट्स वाई वे जो है पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाई उन्होंने, ठीक है ना, रिपोर्ट लिखा कर क्या कहा कि हमारे भाई को किडनैप किया गया है, तो चलिए हमारे साथ ठाकुर बारी। पुलिस वाले भी आए, लेकिन वहाँ पर सर्च करने पर उन्हें उस ओल्ड मैन के अलावा कोई अनदर पर्सन मिला ही नहीं। तो इसलिए जो एक्सपेक्टेशन इनकी थी सारी की तारी जो है वेस्ट हो गई। ठाकुर बारी के जो कमरे खुले थे, हाँ, दोज रूम्स आर ओपेंड, उनकी तलाशी पहले ही ले चुके, बिफोर दैट मतलब उनको सर्च किया गया था। बाद में जिन कमरों की छिटकनी बंद थी उन्हें भी खोलकर देखा गया। आफ्टर दैट जिन रूम्स के जो है बोल्ट लगे हुए थे उन्हें भी ओपन करके सर्च किया गया कि कोई भी पर्सन वहां पर है या नहीं है। एक कमरे के बाहर, वन रूम है ना, एक रूम के बाहर लॉक लगा हुआ था, बड़ा सा ताला लटक रहा था, बिग ताला का मतलब यहाँ पर एक तरह से लॉक लगा हुआ था। पुलिस और हरियर काका के भाई सब वही एकत्र हो गए, वह सभी लोग उसी का इन फ्रंट ऑफ दैट कमरा, ठीक है ना, रूम के आगे जो है वो लोग सारे खड़े हो गए, स्टैंड हो गए। उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध से की गई तो उसने साफ कह दिया कि मेरे पास नहीं है। तो पुलिसमैन आस्क टू दैट ओल्ड पर्सन, क्या पूछा होगा उन्होंने, कुंजी, कुंजी का मतलब क्या है, की, उस लॉक का की पूछा, लेकिन उसने क्या आंसर दिया, व्हाट ही गिवन आंसर, नो आई डोंट हैव, ओके, उसने बताया कि मेरे पास की नहीं है। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, मतलब उस वृद्ध से पुलिसमैन ने अगेन क्वेश्चन किया, व्हाट इज इन द रूम, तो उसने जवाब दिया, अनाज, अनाज मतलब जो है
सीरियल्स, ये ध्यान रखिए, या केरल्स, केरल जिसे कहते हैं हम, जो मतलब एक तरह से चावल राइस वगैरह दाल वगैरह सारे रखे जाते हैं ना, जो भंडार एक तरह से, वह रूम एक तरह से अन्न का। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए, कि अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। तो पुलिसमैन थिंकिंग दैट, क्या थिंक कर रहे थे वो, कि अब तो की है ही नहीं, ये कह रहा था वृद्ध, है ना, तो इसलिए कमरे का जो दरवाजा है, कमरे का जो दरवाजा या ताला है, उसे जो ब्रोक किया जाए या फिर जो है लीव किया जाए, क्या किया जाए। सडनली रूम के इनसाइड से जो है एनीवन समवन जो है किसने पुश किया हुआ उनको दिखाई दिया। तब पुलिस के जवान सावधान हो गए, अलर्ट हो गए, पुलिस के सारे कांस्टेबल अलर्ट हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया, ओके ना, जो भी लॉक था उसको ब्रोक किया गया, दरवाजे को खोला गया और अंदर आ गए। कमरे के भीतर, कमरे के इनसाइड ऑफ द रूम, हरियर काका जिस स्थिति में मिले, जिस सिचुएशन में, ठीक है ना, मिले, उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा, ठीक है ना। जिस सिचुएशन में उन्होंने हरियर काका को जो है पाया, उनका खून मतलब ब्लड, ब्लड मतलब जो है गर्म हो गया, एक तरह से गुस्से में आ गए, ठीक है ना, वेरी एंग्री हो गए वो लोग। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो वो जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। इफ इन दैट सिचुएशन अगर महंत या कोई अन्य अदर पर्सन उन्हें मिलते तो उन्हें वे छोड़ते नहीं, किसी भी हालत में जो है क्या करते, एक तरह से मार ही देते। तो यहां तक आप लोग को समझ में आया कि ठाकुर बारी में महंत ने ही किसको किडनैप किया है, हरिहर काका को। तो देख सकते हैं बच्चों कि एक छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए किस तरह का जो है हरकतें, किस तरह का व्यवहार, किस तरह का बिहेवियर महंत के द्वारा, महंत इज अ पॉपुलर मैन, गुड मतलब एक तरह से जो है सभी लोग उसको रेस्पेक्ट करते हैं, है या नहीं। हाँ, तो वो ऐसा पर्सन भी जो है पैसे की लालच, ग्रीडीनेस, इसे ग्रीडीनेस कहते हैं, पैसे का लालच, जो ग्रीडीनेस की वजह से जो है वो क्या कर रहा है, एक तरह से हरियर काका जैसे मिडिल एज पर्सन के साथ इस तरह के गंदी बैड बिहेव कर रहा है उसके साथ, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि हरियर काका को किडनैप करने वाला कौन था, महंत, और उन्हें कहाँ लेकर गए थे, ठाकुर बारी लेकर गए, और किस परिस्थिति में उसे बांधकर कमरे के अंदर जो है, भीतर इनसाइड ऑफ द जो है रूम, उनको रखा गया था। तो आगे बढ़ रहे बच्चों हम, हरियर काका के हाथ और पाँव तो बांध दिए गए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठूंस कर बांध दिया गया था। हरियर काका जमीन पर रुलकते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजा पर धक्का लगाया था। मतलब वो दरवाजे तक कैसे आए थे वो बताया जा रहा है, ओके ना, हाउ ही विल कम टू द डोर, ओके। तो यहाँ पर आप लोग को बताया जाने की बात है कि हरियर काका के हाथ और पैर मतलब जानते हैं आप लोग, लेग्सर हैंड जो है क्या है, रोप से जो है क्या किए गए थे, टाई किए गए थे, टाइड भी थे रोप से, उसी के साथ साथ क्या किया था, उनके मुंह पर भी जो है क्या किया था, कपड़ा क्लोथ से जो है पूरी तरह से टाइड किया गया था। अब वो धीरे धीरे पे मतलब वो खुद जो है क्या है, जमीन पर लुढ़के, फेल डाउन फ्लोर, ओके, और घिसकते हुए जो है कहाँ तक आ चुके थे, दरवाजे तक पहुंच चुके थे। अब काका को बंधन मुक्त किया गया, फ्री किया गया उनको, मुंह से कपड़ा भी निकाला गया, उनके जो मुंह पर जो कपड़ा बांधा था, क्लोथ से जो उनको टाइड किया गया था, वो भी फ्री किया गया। हरियर काका ने ठाकुर बारी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया कि वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई है। तो तुरंत मुंह खोलते ही जो है हरियर काका ने जो है बोलना शुरू कर दिया, ये लोग जो है नॉट गुड पीपल, ओके ना, ये मतलब महंत और पुजारी इज नॉट रिलीजियस पर्सन, ओके ना, दे आर एक तरह से मर्डरर है, ठीक है ना, किडनैपर्स है, और इनको ऐसे ही छोड़ देना नहीं चाहिए। तो उन्हें किसी रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए, और उन्हें जो है क्या किया कि पूरी तरह से सभी लोग मिलकर उन्होंने क्या किया, उस कमरे में डालकर
दे आर रन अवे फ्रॉम हियर। उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरन अंगूठे के निशान लिए आदि। तो उन्होंने बताया, हरियर काका ने पुलिस वालों को बताया कि जो है क्या किया है, फोर्सफुली दे टेकन माई थंब इंप्रेशन ऑन डिफरेंट डिफरेंट पेपर, मतलब जो वाइट पेपर्स पर लिया कहकर उन्होंने ये बातें बताई। गुस्से में जो है, एंग्री होकर जो है सारी बातें बताई है। तब पुलिस वालों को भी समझ में आया कि हरियर काका को किडनैप करने वाले कौन हैं, महंत, मतलब ठाकुर बारी का सेक्रेटरी, पुजारी, आप जानते हैं पुजारी कौन है, तो उन्होंने इनको जो है किडनैप किया था। वो बात साफ क्लीन हो गई, क्लियर हो गई थी। हरियर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए, ओके ना, लॉन्ग टाइम ही सेइंग एंड सेइंग अगेन एंड अगेन दैट जो है मुझे किडनैप करने वाले कौन थे, महंत एंड पुजारी। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही, ही हेट देम, ओके, उनके एक एक शब्द, एक एक वर्ड, उनका हेट जो है मतलब साधुओं के लिए नफरत, नफरत का मतलब हेट जो है दिखाई दे रहा था। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा था। उनके होल लाइफ में ही नेवर सेड नेगेटिव फॉर एनी अदर पर्सन, लेकिन अब आज इस दिन, दिस डे, मतलब जब उनको किडनैप किया गया, तब वो रुक नहीं पाए। ठाकुर बारी के महंत, पुजारी और साधु के बारे में उन्होंने बहुत कुछ, ओपनली सब कुछ जो है उन्होंने कह दिया। अब हरियर काका का पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। अब हरियर काका अगेन, हाँ, ही लिव विथ, किसके साथ रहने लगे थे, अपने भाइयों के परिवार, फैमिली के साथ रहने लगे। इस बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था, मतलब एक तरह से हॉलवे में जो है उनका बेड नहीं डाला गया था, बल्कि एक रूम उनको अलाट किया गया अपने होम में, किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोकर छिपाकर, जिस तरह से हम प्रीशियस चीज़ों को, है ना, प्रीशियस जो है एक तरह से थिंग्स को किसी कबर्ड में क्लोज करके, है ना, ताला लॉक डाल के रखते हैं, उसी तरह से हरियर काका को भी जो है क्या किया जा रहा था, एक कमरे में छिपाकर, ओके ना, छिपाकर हाइड करके रखा जा रहा था उनकी सुरक्षा के लिए, फॉर द सेक ऑफ, से मतलब एक तरह से उनकी सुरक्षा सेफ करने के लिए, उनको सेव करने के लिए। रिश्ते नातों में जितने सुरमा थे सबको बुला लिया, सुरमा मतलब वो आर द वेरी, मतलब स्ट्रांग है, मतलब लड़ाई वगैरह जो फाइटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे लोगों को जो है लाया गया था, रिलेशन वालों को। हथियार जुटा लिए गए थे, वेपन्स जो है कलेक्ट किए गए थे, 2400 घंटों 24 आवर्स पहरे दिए, सेंट्री ड्यूटी होने लगी, मतलब उनको जो है एक तरह से सिक्योरिटी दिए जाने लगी। अगर किसी आवश्यक कार्यवश, हाँ, इफ एनी, मतलब इम्पॉर्टेंट वर्क है, अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे लेते। जैसे आप लोग जानते हैं, कोई मिनिस्टर कोई रोड पर, हाँ, वन मिनिस्टर अगर कोई सड़क पर जा रहा है, रोड पर जा रहा है, तो उसके आगे पीछे, है ना, आगे पीछे जानते ही हैं कि उसकी सिक्योरिटी कैसी दी जाती है, सिक्योरिटी मैन होते हैं वहाँ पर, उनको कैसे सिक्योर करते हैं वो लोग। उसी तरह से जब भी कोई आवश्यकता, ज़रूरी काम, इम्पॉर्टेंट काम होता है, गांव में जाते हैं हमारे हरियर काका, तो उनके साथ भी, ओके ना, 4 या 5 लोग हथियार से, विथ वेपन्स के साथ जो है सिक्योरिटी देते हुए उनके साथ जाते थे। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते, रात में क्या करते बच्चों, उनको चारों तरफ से, 4 साइड से सराउंड करके उनको जो है सभी लोग स्लीप, मतलब एक तरह से फ्लैट होते। भाइयों ने ड्यूटी बांध ली थी, भाइयों ने अपनी अपनी ड्यूटी डिवाइड कर ली थी, आधे लोग सोते तो आधे लोग जागकर पहरा देते, हाफ पीपल एक तरह से सो जाते, लिप करते, तो अनदर जो हाफ पीपल होते वे लोग जो है सेंट्री ड्यूटी, एक तरह से सिक्योरिटी का काम करते। इधर ठाकुर बारी का दृश्य भी बदल गया, सीन ऑफ ठाकुर बारी विल चेंज, क्या हो गया, एक से एक खूंखार लोग ठाकुर बारी में आ गए, खूंखार मतलब बहुत ही खतरनाक, डेंजरस पर्सन कहाँ पर आ गए, ठाकुर बारी में आ गए थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था, उन्हें देखकर ही, इफ वी सॉ देम, तो हम स्केर्ड हो जाते हैं। गांव के बच्चों ने तो ठाकुर बारी की ओर जाना ही बंद कर दिया, ठीक है ना, चिल्ड्रन
जो होते हैं गांव के विलेज के जो चिल्ड्रन हैं, उन्होंने ठाकुर बारी के पास जाना भी उन्होंने बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया। हरियर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही दो वर्ग में बट गया था, मतलब हरियर काका के सिचुएशंस को लेकर जो है विलेज पीपल्स डिवाइड इंटू टू पार्ट्स। दिस विल यू नो, मतलब तुम लोग को ये बातें पता है। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रिया व्यक्त की जाने लगी। मतलब जो अभी नया इंसिडेंट, न्यू इंसिडेंट जो हरियर काका के लाइफ में हुआ, उस पर भी अलग अलग तरह से ओपिनियंस आने लगे। क्या क्या ओपिनियंस आने लगे वो पता चलेगा। तो अभी तक आप लोगों को पता चला कि हरियर काका को सेफ रखने के लिए भाइयों ने क्या एक तरह से बंदोबस्त, ठीक है ना, बंदोबस्त मतलब सुरक्षा की, ओके ना। तो रक्षा करने के लिए उन्होंने जो है अपने ही रिश्तेदार रिलेटिव्स में कोई स्ट्रांग पर्सन जो भी होते हैं उनको बुलाया, साथ में वेपन्स भी जो है उन्होंने रखे। और जब भी गांव में हरियर काका जाते तो उनके साथ भी चार या पांच लोग सिक्योरिटी मैन के समान सिक्योरिटी देते हुए उनके साथ साथ ही रहते। रात में आधे लोग जगते, हाँ पीपल साथ, मतलब एक तरह से जग कर रहते, बाकी के लोग क्या देते, एक तरह से पहरा देते, सेंट्री ड्यूटी करते, सिक्योरिटी ड्यूटी जिस तरह से की जाती है उस तरह से हरियर काका के लिए ड्यूटीज किए जा रहे थे, उनके लाइफ को सेव करने के लिए। और ये सब कुछ जानते हैं आप लोग, क्यों उनको, मतलब उनको मार देंगे बोल के नहीं है, बल्कि उनको जबरदस्ती फोर्सफुली लेके जाके अपना, मतलब उनकी जो भी प्रॉपर्टी है वो दूसरों के नाम, अदर पर्सन के नाम कर देंगे। इस डर से वे लोग इस तरह से कर रहे थे। अब आगे बढ़ रहे हैं हम। और अब हरियर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चल देते थे। अब तक हरियर काका कैसे थे, सिंपल थे, ओके ना, हाँ, किसी के साथ कोई जो है फाइटिंग नहीं है, या नहीं, सीधे साधे से, ओके। लेकिन अब वो बहुत ही जो है कैसे हो गए थे इस इंसिडेंट के बाद, वाइज, ओके ना, वेरी शार्प हो गए थे और नॉलेज से काम ले रहे थे, ठीक है। वो महसूस करने लगे, ही फील दैट, कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे, उसकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं बल्कि उनकी जायदाद है, अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। उनको ही फील दैट, इनको अंडरस्टैंड हो गया कि जो भी भाई मुझे सिक्योर कर रहे हैं या सिक्योरिटी दे रहे हैं, ये सेक ऑफ फॉर मी नॉट, मतलब किसके लिए, प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं बोल के उनको ये बात अंडरस्टैंड हो गई। फील दैट थिंग, ओके। या तो उनको तो बाद में कोई पूछता भी नहीं, अगर प्रॉपर्टी नहीं होती तो नो वन कैन आस्क हिम। तो इसी इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता, मतलब दिस विलेज में ही जायदादहीन विदाउट प्रॉपर्टी वाला जो भाई होगा उसको पूछते भी नहीं, आज भी नहीं करते। हरियर काका को अब सब नजर आने लगा था। ही सी ऑल दिस थिंग्स विथ हिज आइज। बहन की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वो जान गए थे। चिकनी चुपड़ी मतलब जो ट्रैप करने वाले जो बातें थी, उन बातों से भी, जो महन की जो ट्रैप करने वाली बातों को भी वो ही अंडरस्टैंड। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है, मतलब महन के बारे में, महन का जो असली रूप है, ओके, रियल रियल उसका जो एक तरह से पर्सनालिटी है, वो एक तरह से काका के सामने आ चुका था। ही इज अ वेरी बैड गाय बोल के उनको पता चला, ठीक है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब है, मतलब ही नहीं है, ठीक है। धर्म मतलब रिलीजियन हो, परमार्थ मतलब जो है गुड गुड वर्क, सोशल वर्क से, हाँ, उसे कोई लेना देना नहीं है। निजी स्वार्थ के लिए, सेल्फिशनेस के लिए साधु होने और पूजा पाठ पढ़ने का ढोंग रचाया है, ओके ना। ढोंग मतलब वो एक तरह से क्या है, शो ऑफ कर रहा है, ठीक है ना। वो रियल पर्सन नहीं है, रियल रिलीजियस पर्सन नहीं है, वो ढोंगी बाबा है। साधु के बाने में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी है। देर ऑल एक तरह से ग्रीडी पर्सन्स है। छल बल कल किसी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं, ओके ना। दूसरों को जो है एक तरह से क्या करना चाहते हैं, ये छलना चाहते हैं, छलना चाहते हैं मतलब ट्रैप करना चाहते हैं,
मारना चाहते हैं, ठीक है ना, मार कर, छल कर, ठीक है ना, ट्रैप करके, किसी भी हालत में पैसा, ठीक है ना, पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, अर्न द रुपीज, और जो आराम से हैप्पीली अपना लाइफ जो है स्पेंड करना चाहते हैं विदाउट एनी हार्ड वर्किंग। अपने घृणित इरादों को छुपाने के लिए, अपने बैड फीलिंग्स को जो है छुपाने के लिए, हाइड करने के लिए ठाकुर बारी को इन्होंने माध्यम बनाया है। मीडियम, मीडियम किसको बनाया है? ठाकुर बारी। मीडियम किसको बनाया है उन्होंने? गॉड को और ठाकुर बारी को इन्होंने मीडियम बनाकर अपने जो है एक तरह से गंदे काम करना शुरू कर दिया। किन्हों ने? ये महंत, पुजारी और अन्य साधु साधु संतों ने। तो था ये सब कौन सोच रहे हैं बच्चों? हरिहर काका अपने मन में सारी बातें सोच रहे हैं, और ये सोचते हुए वो समझ रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही है, क्या अनुचित है, गलत है, ठीक है ना, मतलब व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज नॉट करेक्ट, ये उनको जो है समझ में आ रहा था, कौन करेक्ट पर्सन है, कौन करेक्ट पर्सन नहीं है, ये धीरे धीरे जो है वो अनुभव से जान रहे थे, है ना, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस हो चुका है कि हाउ द पीपल्स आर, है कि नहीं। ठीक, एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास न किया जा सके, इसलिए हरियर काका के मन ही मन तय कर लिया, मतलब उन्होंने जो है अपने माइंड में एक डिसीजन ले लिया, अब महन को वे अपने पास फटकने तक नहीं देंगे, महन को अपने पास ओके ने आने भी नहीं देंगे, साथ ही अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद भाई भाइयों को भी नहीं देंगे, मतलब जब तक उनकी लाइफ है अपनी जो प्रॉपर्टी है भाइयों के नेम भी नहीं करेंगे, अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे। आफ्टर दैट अगर उन्होंने जो है भाइयों के नाम प्रॉपर्टी कर दी तो दूध की मक्खी मिल्क में जिस तरह से जो है एक फ्लाइंग गिर जाता है उसको उठाकर हम फेंक देते हैं, उस तरह से इनकी भी लाइफ हो जाएगी कहकर इन्होंने उस तरह का थिंक किया। लोग निकाल कर फेंक देंगे, लोग भी मुझे जो है क्या है एक तरह से फेंक देंगे, दूर थ्रो कर देंगे मुझे, कोई उन्हें पूछेगा ना, नो वन कैन आस्क हिम, बुढ़ापे का दुख बिता है नहीं बिता, तो ओल्ड एज का जो भी एक तरह से सैडनेस है वह जो है स्पेंड होता ही नहीं, इसलिए मैं अपनी जायदाद, मतलब स्ट्रांग डिसीजन लिया हरिहर काका ने अब कि होल लाइफ जब तक मैं जो है मरूंगा नहीं, ठीक है ना, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक अपनी जो प्रॉपर्टी है वो मैं दूसरों के नाम नहीं करूँगा, ये स्ट्रांग डिसीजन ले लिया। अब आगे बच्चों, ठीक है, तो बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं अब, है ना, हरिहर काका क्या सोच रहे थे आपको पता चला कि हरिहर काका को अब सोसाइटी के बारे में, है ना, सोसाइटी के पीपल्स के बारे में उनको अंडरस्टैंड हो रहा था कि हाउ आर द पीपल्स ओके ना, पास एक आप ग्रीडीनेस की वजह से उनके साथ कैसे जो है बिहेव कर रहे थे, बैड बिहेव कर रहे थे उनके साथ, ठीक है, अब वो भाइयों को भी समझ रहे थे, है ना, अपने ब्रदर्स को भी अंडरस्टैंड कर रहे थे क्यों वे इतना प्रेस कर रहे हैं उनको, ओके, तो अब आगे, लेकिन हरियर काका सोच कुछ रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था, ठीक है ना, ये थिंकिंग कुछ मतलब थिंकिंग जो है अदर कर रहे थे और एटमॉस्फियर जो है अनदर एटमॉस्फियर बन रहा था। ठाकुर बारी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजों के नाम लिखते, मतलब जिस दिन उनको जो है रिलीज करके लाया गया था कहाँ से, ठाकुर बारी से, उसी दिन से दैट डे ऑनवर्ड्स उनके रिलेटिव्स, ये भाई फिर भाइयों के जो भी उस सारे जो है उनको समझाने में लगे थे कि अब तो नाउ इट इज़ अ टाइम फॉर दैट, क्या करो कि तुम अपनी प्रॉपर्टी जो है भतीजों के नाम मतलब ब्रदर्स के जो सन हैं उनके नेम कर दो, वह जब एक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महन की गिद्ध दृष्टि उन पर लगी रहेगी, जब तक, हाँ जब तक जो है वो अपने यह कार्य नहीं करेंगे, हमारे नाम प्रॉपर्टी नहीं करेंगे तब तक महन की दृष्टि, महन जी, महन का जो बैड आई जो है इस प्रॉपर्टी पर वो हमेशा लगा रहेगा ही, सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एकमात्र रास्ता है।
ठीक है ना। अब जैसे तूफान में हम गिर जाते, फ्लड में हम जिस तरह से जो है सिचुएशन में होते हैं, तो वन एंड ओनली जो वे होता है वो वे एक ही है कि आप अपनी प्रॉपर्टी भाइयों के नाम कर दीजिए, कहकर उनको एडवाइस दिया गया अपने रिलेटिव्स के द्वारा। सुबह, दोपहर, शाम, रात गए तक यही चर्चा, ओके ना। सुबह मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो, नाइट हो, यही टॉपिक, दिस टॉपिक पर ही जो है डिस्कशन होता रहता था। लेकिन हरियर काका साफ नकार जाते, बट हरियर काका रिफ्यूज इट। कहते, मेरे बात तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः मिल जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं है। आफ्टर माई डेथ मेरी सारी होल प्रॉपर्टी विल किसको जाएगी, इस परिवार को, इस फैमिली को ही तो जाएगी ना। तो रहते रहते मुझे जो है क्यों लिखने की जरूरत है, आई मैं नहीं करूंगा। ठीक है, महन ने अंगूठे को जो जबरन निशान लिए हैं उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया है, तो फोर्सफुली जो थंब इम्प्रेशन उसने वाइट पेजेस पे लिया था उसके लिए हमने केस कोर्ट में लगाया है, उसको चल रहा है। भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया। फर्स्ट उन्होंने जो है उनको समझाया, ठीक है ना, स्लोली स्लोली। अब वो जब नहीं समझ रहे थे, ठीक है ना, वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे सिचुएशन को, तब उन्होंने क्या किया, भाइयों ने, ब्रदर्स ने उनको डांटना, स्कोल्ड करना शुरू कर दिया और दबाना, डोमिनेट करना शुरू कर दिया, स्टार्टेड डोमिनेशन। लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए, दिस वे में भी वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं साइन करूंगा। स्पष्ट कह दिया, क्लियरली ही टोल्ड दैट अपनी जिंदगी में वो नहीं लिखेंगे, अपने होल लाइफ में वो किसी को भी जो है अपनी प्रॉपर्टी नहीं करेंगे। बस एक रात, वन नाइट, उनके भाइयों ने वही रूप, धारण कर लिया जो रूप महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था, सेम, ठीक है ना, सेम जो है उन्होंने उसी तरह का हरकतें, बिहेवियर किया जिस तरह से जो है ठाकुर बारी के महंत और पुजारी ने किया। मतलब क्या किया होगा बच्चों, देखो आप, हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया, ही नेवर बिलीव दैट, ओके। उनके वही अपने सगे भाई, मतलब सगे ब्लड रिलेशन के जो ब्रदर्स है, जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, जो एवरी टाइम, मतलब उनको जो एक तरह से सर्व करने में रेडी रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, उनको जो है वो वेरी क्लोज समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे, ठीक है ना, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे, अब वेपन्स लेकर जो है उनके सामने खड़े हो गए। क्या वेपन, क्या, क्यों खड़े हो गए, वाय, देखो अब कह रहे थे, सीधे मन से कागजों पर जहां जहां जरूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मार कर यही घर के अंदर गाड़ देंगे। सी, क्या कहा उन्होंने, वेपन्स को दिखाते हुए, ठीक है ना, क्या कहा कि सीधे सीधे, ठीक है ना, आसानी से, इजीली क्या करो तुम, जो भी कागज, जो भी जो है पेपर दिखाए जा रहे हैं और जहां पर तुम्हारे अंगूठे के थंब इम्प्रेशन लगाए रहे हैं वहां पर लगाते चलो, नॉट, इफ नॉट मीन्स हम तुम्हें मार देंगे, ठीक है ना, तुम्हारी हत्या कर देंगे, ठीक है, तुम्हारी हत्या कर देंगे और इस घर में ही तुम्हें जो है गाड़ देंगे, गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिल पाएगी, ओके ना, और ये इंफॉर्मेशन गांव वालों तक भी पहुंच नहीं पाएगी कि इन आवर हाउस व्हाट विल हैपन। सो क्लियरली बताया उन्होंने, वार्न कर रहे थे वो वेपन्स दिखाते हुए कि करो साइन करो। अगर पहले वाली बात होती तो हरियर काका डर जाते, है ना, मतलब जब महंत उनको किडनैप कर चुका था, ये सारा इंसिडेंट हो चुका था, ठीक है ना, अगर इजी बात होती तो वो जो है स्केयर हो जाते, बट अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरता है, अज्ञान की दृष्टि में ही, अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरता है। जब व्यक्ति को, जब पर्सन को नॉलेज नहीं रहता है तभी वो जो है अपनी डेथ से जो है स्केयर होता रहता है, लेकिन अब
हमारे हरियर काकाओं को पूरी तरह से नॉलेज हो चुका था, एक्सपीरियंस हो चुका था, उन्हें अनुभव हो चुका था, लाइफ का एक्सपीरियंस हो चुका था, लाइवली उन्होंने देख चुका थे, देख चुका है, देख चुके थे वो कि हाउ द पीपल आर, है ना। तो इसलिए उन्हें किसी बात से जो है वो डर नहीं लग रहा था, ना वेपन्स, ना जो ब्रदर्स के वार्निंग्स और जो किसी तरह का डोमिनेशन से वो डर नहीं रहे थे। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए भी तैयार हो जाता है। जब मनुष्य को असली नॉलेज मिलता है तो मृत्यु को भी प्राप्त होने के लिए ये एक्सेप्ट कर लेता है मृत्यु को भी। हरिहर काका ने सोच लिया, थिंकिंग दैट, कि ये सब एक ही बार उन्हें मार दे वह ठीक होगा, लेकिन अपनी जमीन लिखकर हाँ रमशेर की विधवा की तरह से जिंदगी में घुट घुट कर मरे यह ठीक नहीं होगा। तो हरियर काका ने सोचा, ही थिंक इट दैट, कि ठीक है मेरे भाई मुझे मारना चाहते हैं, दे वांट टू मुझे जो है एक तरह से अब मारना चाहते हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं है, ओके ना, मैं मर जाऊंगा, बट जीते जी लाइवली मैं जो है अपना प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं लिखूंगा, क्योंकि गांव की जो एक विधवा विधवा वीडो जो एक वुमन थी उसने अपनी सारी जायदाद अपने बच्चों के नाम लिख दी, ठीक है ना। उसके बाद उसको घर से निकाल दिया गया, ठीक है, और वो रास्तों पर भीख बेगर बनकर जो है जी रही है, लाइफ स्पेंड कर रही है। मैं उस सिचुएशन में आई डोंट वॉन्ट टू गो दैट सिचुएशन, इसलिए चाहे ये मुझे जो है मार दे मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा, ऐसा सोचने लगे। रमशेर की विधवा को बहला फुसला कर उसके हिस्से की जमीन रमशेर के भाइयों ने लिखवा ली। शुरू में तो उसका खूब आदर मनन किया गया, स्टार्टिंग में उसका बहुत ही जो है रेस्पेक्ट किया गया, लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों जन खाना देते उन्हें अखरने लगा, ठीक है ना। ओल्ड में ओल्ड एज आते आते जो है उनको वही वीडो बहन, मतलब जो एक तरह से भाइयों ने बहन का जो भी प्रॉपर्टी था अपने नाम कर लिया, लेकिन अब वही बहन उन्हें अच्छी नहीं लगने लगी और उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। अंत में तो उसकी वह दुर्गति बुरी परिस्थिति हुई, क्योंकि ना बैड सिचुएशन हुआ कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते, गांव के लोग देखकर द शिवरिंग। हरियर काका को लगता है कि अगर रमशेर की विधवा ने अपनी जमीन नहीं लिखी होती, इफ दैट टाइम रमशेर की वीडो ने वह जमीन अपने भाइयों के नेम नहीं लिखी होती, तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखारते रहते, लास्ट तक, ओके ना, एट द टाइम ऑफ डेथ तक जो है सभी लोग उसके जो है फुट के पास ही होते, कहकर कह रहे। हरियर काका गुस्से में खड़े हो गए, हैंग्री, और जो स्टैंड हो गए, और गरजते हुए उन्होंने कहा, रोरिंग, मैं अकेला हूं, मैं लोनली हूँ, तो तुम सब इतने हो, तुम सा ऑल तुम लोग जो सारे इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊँगा, ठीक है, लेकिन जीते जी एक धूर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा, जब तक मेरी लाइफ है मैं एक जमीन का टुकड़ा, पार्ट ऑफ जो है क्या है एक तरह से अपनी लैंड का पार्ट ऑफ लैंड भी तुम्हारे नाम नहीं लिखूंगा, कहकर कहने लगे। तुम सब ठाकुर बारी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं हो, आप सब लोग, ऑल ऑफ यू, ठीक है ना, इक्वल टू महंत और पुजारी, कहकर उन्होंने जो उनके साथ कंपैरिजन कर दिया। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, विल सी हाउ यू डोंट राइट, ओके, लिखना तो तुम्हें ही है, चाहे हंस के लिखो या रो के, ओके ना, वट एवर इट मे बी, इफ यू हैप्पीली, अदरवाइज जो है क्राइम, आपको जो है जमीन क्या नाम हम पर करना ही होगा, कह रहे थे। तो नमस्ते बच्चों, हम हरियर काका पाठ पर जो है चर्चा कर रहे थे। अभी तक कहानी में हमने यह देखा कि हरियर काका के प्रॉपर्टी के लिए किस प्रकार से उनके भाई और ठाकुर बारी के महंत उनके साथ किस तरह से बिहेव कर रहे थे या कर रहे हैं उसकी जानकारी ले चुके हैं। अब हरियर काका को किडनैप करके लेकर गया महंत, तो वहाँ से उसको फ्री करके या फिर जो है रिटर्न उनको लेकर आए अपने घर उनके भाई। अब भाई उनके साथ कुछ दिनों तक तो वेल बिहेव करने लगे थे, लेकिन आफ्टर सम डेज के बाद उन्होंने भी सेम वैसा ही व्यवहार बिहेव करना शुरू कर दिया जैसा महंत ने किया था।
एज इट इज बिहेव, ठीक है। अब वे जबरदस्ती फोर्सफुली अपने भाई, बड़े भाई के या जो भी खेत है, खेत फील्ड है या प्रॉपर्टी है या जमीन, जो भी लैंड है, वो अपने नाम कराना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने सब भाई मिलकर, मतलब तीन भाई मिलकर और घर के कुछ सदस्य, घर के अदर मेंबर्स, ओके ना, फैमिली के अदर मेंबर्स ने उनको पूरी तरह से सराउंड करके उनको जोर जबरदस्ती फोर्सफुली उनके अंगूठे के निशान, मतलब थंब इम्प्रेशन लेने के लिए वे लोग उसे फोर्स कर रहे हैं। तो अब आगे की कहानी हम देख रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता चला कि हरियर काका को वे वॉर्न कर रहे थे, ठीक है ना, वॉर्न कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी वो साइन करे। बट हरियर काका ने क्या कह दिया कि जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरी डेथ नहीं होती, तब तक मैं यह मेरी प्रॉपर्टी और अनदर किसी के नेम करने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। अब आगे हम देखते हैं बच्चों, देखिए पेज नंबर 16। हरियर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। अब जैसा कि घर में सराउंड कर दिया गया, सराउंडेड हो गए सारे जो है घर के अदर फैमिली मेंबर्स, और उनको उनके साथ हाथापाई, हाथापाई का मतलब होता है स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल करना जो है बिगिन कर दिया उन्होंने। हरियर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। तो देखो, बट हरियर काका वांट टू बी, मतलब क्या करना चाहते थे, फ्री होना चाहते थे, और ही वांट टू गो टू आवर विलेज, ओके ना, और विलेज में जाना चाहते थे। बट उनके भाइयों ने, ब्रदर्स ने उनको जो है एक तरह से वेरी टाइटली हैंडल करके रखा हुआ था, होल्ड करके रखा हुआ था, ओके, भागने नहीं दे रहे थे। प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे थे, मतलब जैसे ही काउंटर, मतलब काउंटर अटैक करने पर उन्होंने भी जो है अटैक करना शुरू कर दिया, उनको मारना, बीटिंग, ओके ना, बीट करना शुरू कर दिया। किसको बीट करना शुरू कर दिया? हरियर काका को। अकेले लोनली थे बेचारे, अकेले हरियर काका कई लोगों से जूझ सकने में भी, बैटल, ओके ना, जैसे बैटल जूझ रहे थे, बैटल कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। वहाँ किसके साथ युद्ध कर रहे थे? अपने भाइयों के साथ, अपनी जान बचाने के लिए, अपने डिफेंस में वो जो है उनके साथ बैटल कर रहे थे। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए, जिसका परिणाम, रिजल्ट क्या हुआ, अपने डिफेंस के लिए वो चीखने चिल्लाने के, रोरिंग, मतलब जो है बहुत ही चीखने चिल्लाने लगे। और अब भाइयों को चेत आया कि मुंह तो उन्होंने पहले ही बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तक्षण उन्हें पटक दिया और उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। तो देखो बच्चों, अब क्या है, वो आवाजें कर रहे थे कि बचाओ बचाओ बचाओ, जोर जोर से जो है वो चिल्ला रहे थे। कौन चिल्ला रहे थे? हरियर काका, क्योंकि वो अलोन, एक अलोन पर्सन थे उस घर में, और बाकी सारे फैमिली मेंबर्स उन पर अटैक कर रहे थे कि किसी भी तरह से फोर्सफुली उनके थंब इम्प्रेशन, थंब साइन जो है लिया जाए। बट हरियर काका मानने वाले से नहीं थे, वो अकेले थे लेकिन बैटल कर रहे थे। तो उसी बैटलिंग में क्या हो रहा था, तरह तरह की आवाजें आ रही थी। अब भाइयों को ये अंडरस्टैंड हो गया कि जोर जोर से मुंह से, माउथ से जो है साउंड आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने जो है एक क्लोथ से मुंह भी जो है क्या है, टाइट कर दिया, ठीक है। अब लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज, ओके ना, बिफोर डूइंग दिस, मतलब बिफोर डूइंग दिस का मतलब क्या है यहाँ पर, कि बिफोर मतलब वो माउथ पर जो है क्लोथ बांधने से पहले, टाइट करने से पहले ही काका की जो, काका का जो वॉइस था, काका जो रोरिंग करने का जो वॉइस था, वो गांव वालों को सुनाई दे रहा था, लिसन विलेजर्स, ओके ना। तो हरियर काका की आवाज़ गांव में पहुंच गई थी। टोला पड़ोस के लोग दलान में जुटने लगे थे, मतलब जो आस पड़ोस के नेबर्स वगैरह जो भी थे, दे आर कमिंग या हरियर काका के होम, आने अंदर आ गए दलान में, हॉलवे जो भी था वहां पर जो है कलेक्ट होने लगे एक तरह से, एक के बाद एक जो है। ठाकुर बारी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महन जी तक चली गई थी। दिस इंफॉर्मेशन, मतलब तत्काल का मतलब होता है कि सडन, दिस इंफॉर्मेशन किसको मिल गई, महन को भी मिल गई कि हरियर काका के भाई
हरियर काका के भाई, हरियर काका को फोर्सफुली जो है थंब इम्प्रेशन वगैरह प्रॉपर्टी अपने नाम लेने के लिए वहाँ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। तो ये बात पता चलते ही व्हेन ही गॉट दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, वो तुरंत महंत महंत क्या ले महंत, लेकिन वहाँ उपस्थित हरियर काका के परिवार के रिश्ते रिश्ते नाते के लोग, गांव के लोग को समझा देते कि अपने परिवार के निजी मामला है, इससे दूसरों को क्या मतलब। ठीक है, तो महन जी को इन्फॉर्मेशन मिल जाते ही क्या होता है, महन भी आने के लिए शुरू हो जाते हैं। वो ठाकुर बारी से वो हरियर काका के घर आने के लिए निकलते हैं। अब जो लोग हाँ दो विलेजर्स जो हरियर काका के घर में आ चुके थे उनको बचाने के लिए, तो वहाँ पर जो फैमिली मेम्बर्स वगैरह थे उन्होंने क्या कह दिया, दिस इज आवर फैमिली मैटर्स, ओके ना, नो वन कैन इंटरफेयर इन दिस, बोल के ऐसे जो है मौन करके सबको जो है क्या कर दिया, भेजा दिया। तो अब महन जी ने वह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी दिखाई। ठीक है ना, अब महंत अकेले नहीं गए, ही डोंट मतलब वो अकेले लोनली नहीं गए, वो पुलिस गाड़ी के साथ पुलिस जीप के साथ कहाँ पहुंच गए वो, हाँ वेंट टू द हरियर काका होम विथ पुलिस जीप। ओके, तब पुलिस आने के बाद आफ्टर पुलिस कमिंग निजी मामले का सवाल खत्म हो गया, जो पर्सनल जो मैटर था फैमिली मैटर जो था वो जो है कोलैप्स हो गया, वह एंड हो गया। घर तलाशी शुरू हुई, घर की मतलब जो घर को सर्च करना शुरू कर दिया। फिर हरियर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया जिस हालत में ठाकुर बारी से उन्हें बरामद किया गया था। ओके ना, विच सिचुएशन में हरियर काका को ठाकुर बारी में जो है वहाँ पर पाया गया था, वी फाउंड दैट, है ना, हमने देखा था कि हरियर काका को जिस सिचुएशन में ठाकुर बारी में किडनैप करके उनके साथ जो है मार तार करके रखा गया था, सेम सिचुएशन बट उससे भी भयानक डेंजर और जो है बड़ी घटना इनके साथ अपने ही घर में ओन हाउस में उनके साथ जो है ये इंसिडेंट घटा। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत एक तरह से जो है अत्याचार किया है, कि जबरन उनके कागजों पर अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं, कि उन्हें खूब मारा पीटा है, कि उनकी कोई दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी है, कि अगर थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वे उन्हें जान से मार देते। मतलब फ्री होने के बाद है ना अपने भाइयों के चंगुल से, अपने भाइयों के मतलब एक तरह से होल्डिंग से फ्री होने के बाद हरियर काका ने पुलिस को सारी जो है इंसिडेंट बता दिया कि भाइयों ने उनके साथ क्या किया, मारा पीटा उनके उनको टॉर्चर किया। ठीक है ना, उनको टॉर्चर किया फोर्सफुली, अनेक वाइट पेपर्स पर उनके जो है थंब इम्प्रेशन लिए हैं। अगर पुलिस नहीं आती, इफ पुलिस वहां पर नहीं पहुंचती तो उनको एक तरह से जो है क्या कर देते, उनको किल भी कर देते, मतलब दे किल मी, बोल के यह बातें हरियर काका ने पुलिस को बताई। हरियर काका के पीठ माथे और पांवों पर कई जख्म के निशान उभर गए थे। बेचारे हरियर काका के पीठ बैक, ओके ना, भाई माथे पर फोरहेड्स पर, उसी तरह से जो है पांवों पर पैरों पर मतलब जो है फुट्स पर, सो मेनी जो है क्या एक तरह से स्केर टू ट्रेस, मतलब एक तरह से निशान मारने के जो बीट करने के बाद जो निशान उभर आते हैं वो सिंबल्स दिखाई दे रहे थे। बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, ये वेरी स्केर्ड, ओके ना, कांप रहे थे, शिवरिंग हो रहे थे, अचानक गिरकर बेहोश हो गए, सडनली फेल डाउन एंड अनकॉन्शियस में चले गए। मुंह पर पानी छिटक कर उन्हें वाटर बेडो किया गया उन पर, ओके ना, मुंह पर पानी छिट कर उन्हें होश में कॉन्शियस में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए थे, तो ब्रदर्स एंड जो है एक तरह से भतीजे मतलब भाइयों के जो सन वगैरह है, दे आर रन अवे व्हेन द पुलिस कमिंग। ओके, पुलिस की पकड़ में रिश्ते के दो व्यक्ति आए थे, तो पुलिस ने जो है रिलेटिव्स के टू मेंबर्स को अरेस्ट किया था। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए थे, अदर पीपल ऑल्सो रन अवे। हरियर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। दिस इज द लास्ट इंसिडेंट अकर इन द मतलब हरियर काका के लाइफ में। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे, ओके ना,
एकदम अलग रहने लगे, डिवाइड हो गए वो अपनी फैमिली से ही, डिवाइडेड फ्रॉम हिज फैमिली एंड अलोन जो है वो लाइफ स्पेंड करने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए, उनके डिफेंस के, उनको जो है एक तरह से सिक्योरिटी के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले। राइफलधारी, राइफल जानते हो तुम लोग, राइफलधारी जो है 4 जो है पुलिस के एक तरह से सोल्जर्स, उनको पुलिस मैन मिले। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और बहन की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए, इसके लिए जो है मतलब वेरी दे आर ट्राई टू, मतलब एक तरह से फिर से वापस लाए भाइयों को, इस तरह का ट्राई किया गया भाई को, बट कोई काम वहाँ पर हुआ नहीं। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरियर काका अकेले रहने लगेंगे, तब ठाकुर बारी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उनको ले भागेंगे। और यही चिंता महन जी को थी कि हरियर काका को अकेला और सुरक्षित असुरक्षित पा उनके भाई पुनः उन्हें धर दबोचोगे। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को अभी पता चल रहा होगा बच्चों कि दोनों का टेंशन, दोनों की प्रॉब्लम यही थी, बोथ आर थिंकिंग सेम। क्या है, ठाकुर बारी का महन सोच रहा था कि भाई भाई ब्रदर जो है फोर्सफुली एक तरह से जो है लैंड को अपने नाम कर लेंगे बोल के, और भाइयों का भी यही प्रॉब्लम था कि महंत एक तरह से जो है फोर्सफुली हरियर काका से सारा लैंड अपने नाम कर लेंगे, दोनों की सेम चिंता थी। इसलिए जब हरियर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, दैट्स वाई ही टेकन सिक्योरिटी फ्रॉम द पुलिस, कौन, किसने, हरियर काका ने मांग की, तब नेपथ्य में रहकर ही उनके भाई और महन जी ने पैरवी लगा और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। तो पूरी तरह से जो है अपनी मदद, अपना हेल्पिंग जो भी करना है वो कर दिया उन्होंने। यही उनके सहायता का परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए। तो दोनों के रिकमेंडेशन की वजह से, दोनों को ये प्रॉब्लम थी, दोनों को ये टेंशन था कि भाई मतलब हरियर काका भाइयों के नाम लैंड कर देंगे, और भाइयों को, ब्रदर्स को यह प्रॉब्लम थी या यह टेंशन था कि ठाकुर बारी का महंत के नाम कर देंगे। इसलिए दोनों ने भी जो है रिकमेंडेशन करके पुलिस के जो मतलब एक तरह से पुलिस मैन थे उनको सिक्योरिटी के रूप में देने का जो है रिक्वेस्ट किया था सरकार को, ठीक है। और फिर उसी के चलते रिजल्ट दैट क्या हुआ कि एक आदमी के लिए इन वन विलेज फॉर वन पर्सन वहाँ पर 4 सिक्योरिटी पीपल सिक्योरिटी जो है पुलिस मैन उनको मिले, इनको हरियर काका को। जहाँ तक मैं समझता हूँ फिलहाल हरियर काका पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर है, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुर बारी और अपने भाइयों की ओर से मिल रही है। तो लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि वी नो वहाँ पर सिक्योरिटी कौन दे रहे हैं, पुलिस के 4 मेंबर्स, पुलिस के 4 मैन, ओके ना, जो 4 पुलिस के जो एक तरह से लाए गए थे पुलिस मैनों को, वो उनकी सिक्योरिटी दे रहे हैं। लेकिन ये सिक्योरिटी कहाँ से मिली थी, ठाकुर बारी और भाइयों के रिकमेंडेशन के वजह से ही मिली थी, कि दोनों को ये टेंशन था कि भाई को बहन पहला पुसला ले ले, और महंत को ये चिंता थी कि जो है भाई लोग को जो है फैला पुसला कर उसका एक तरह से लैंड अपने नाम पर न कर ले, इसलिए हुआ था। ठाकुर बारी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क है कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरियर काका के साथ जोर जबरदस्ती न कर न पाए, ओके ना, फिर से इस तरह का कोई इंसिडेंट न हो ये देखा गया था। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील थे। दोनों दल 2 ग्रुप्स, एक ठाकुर बारी का ग्रुप, ठाकुर बारी का जो है महंत का ग्रुप, एंड वन मोर इज भाइयों का ग्रुप, बहुत आर टाइम टू टाइम जो है फिर से वहाँ पर उसको प्रेजिंग करने के लिए, किसको प्रेजिंग करने के लिए, हरियर काका को प्रेजिंग करने के लिए दे टाइम टू टाइम वो लोग ट्राई करते ही रह रहे थे। गाँव में एक नेताजी है, वह न तो कोई नौकरी करते हैं और न खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। राजनीतिक जादुई छड़ी उनके पास है, उनका ध्यान हरियर काका की ओर जाता है, वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी ज़मीन में हरियर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए, इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी ज़मीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा।
लेकिन हरियर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट आते हैं। तो गांव का एक जो है पॉलिटिकल पर्सन, वो भी अपना सेल्फिशनेस को जो है पूरा करने के लिए वो हरियर काका के पास जाता है और ही आस्किंग टू हरियर काका कि उनकी जो भी लैंड है डोनेट टू द विलेज। किस लिए? फॉर व्हाट? जो है वहाँ पर एक स्कूल बनेगा और वो स्कूल का नाम भी क्या रखेंगे बोल रहे हैं, हरियर उच्च विद्यालय का नाम रखकर, क्योंकि विद्यालय के रूप में वो लैंड डोनेट करने पर हरियर काका अमर हो जाएंगे, मतलब उनका नाम जो है बहुत ही पॉपुलर हो जाएगा। इस तरह की बातें वो समझाने लगे हरियर काका को। बट हरियर काका अब सब सिचुएशन को जो है एक तरह से झेल चुके थे, उन्होंने एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं किया। तो बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी देखिए आगे। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र हैं हरियर काका। चर्चा डिस्कशन का मेन सेंटर पॉइंट क्या है? हरियर काका का इंसिडेंट। आंगन, खेत, खलियान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह, मतलब गांव का, विलेज का, एनी प्लेस, ओके ना, इन दैट प्लेस। तो डिस्कशन का जो मेन सेंटर पॉइंट क्या होता था? हरियर काका। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं है। मतलब काका के साथ जो इंसिडेंट हुआ था उस तरह का इंसिडेंट अभी तक गांव में जो है नहीं हुआ था। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती है, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं है। स्मॉल इंसिडेंट्स आर हैपन इन विलेज, बट हरियर काका का जो इंसिडेंट है वेरी वेरी बिग एंड इम्पॉर्टेंट था, ओके ना। गांव में जहां कई और जिन लोगों के बीच हरियर काका की चर्चा छिड़ती है तो फिर उसका कोई अंत नहीं होता। डिस्कशन स्टार्ट होता है बट डिस्कशन नेवर एंड। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते थे, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज जो है वो एक्सप्रेस करते थे। राम जाने क्या होगा, मतलब गॉड विल नो व्हाट विल हैपन आगे, मतलब जो है अब आगे क्या होगा किसको क्या पता। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, दोनों ओर के लोगों ने, टू साइड्स पीपल्स ने जो है क्या है एक तरह से थंब इम्प्रेशन प्लेन कागजों पर जो है प्लेन पेपर्स पर ले लिए है, लेकिन हरियर काका ने अपना बयान दर्ज कराया है। बयान का मतलब जो भी अपना ओपिनियन है वो पुलिस वाले को बता दिया था उन्होंने कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपनी जमीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते। टू ग्रुप में से न ठाकुर बारी के महंत को न जो है अपने भाइयों को, दोनों में से किसी को भी अपना हायर नहीं मानते। हायर मतलब नेक्स्ट ओनर ऑफ द लैंड जो भी होगा, है ना, उसका कोई भी ओनर नहीं है, मैं अकेला ही ओनर हूँ। ये इस तरह की बातें बयान उन्होंने पुलिस वाले को बता दी थी। दोनों ओर के लोगों ने जबरन फोर्सफुली उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा? हु आर द ओनर ऑफ नेक्स्ट, है ना, हरियर काका के जो है लैंड के, इस पर डिस्कशन चलता ही रहता था। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती, डिस्कशन जो है स्टार्ट हो जाता। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है, लॉ ऑफ हायर मतलब आफ्टर, मतलब एक ओनर के बाद दूसरा ओनर जो आता है तो वो कौन होगा, वो लॉ संबंधी उस लॉ पर जो है बहुत सारे जो जानता है, हूएवर द नोस वेरी वेल अबाउट द लॉ ऑफ हायर, तो उस पर जो है तरह तरह की बातें, तरह तरह का डिस्कशन होता, उससे 10 गुना अधिक उगल देता। फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता। आफ्टरवर्ड्स मतलब इतनी सारे डिस्कशन के बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, रहस्य खत्म नहीं होता, सीक्रेट जो भी है, हाँ, इंसिडेंट ऑफ हरियर काका का जो सीक्रेट है वो नेवर एंड, ओके। आशंकाएं, डाउट्स और भी बनी रहती, लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधारता शुरू कर देते, अपना अपना जो है एक तरह से हम कहते हैं पार्शियलिटी दिखाते। कुछ लोग जो है क्या है हरियर काका के भाइयों का मतलब साइड लेते, कुछ लोग जो है महन का साइड लेते। उत्तराधिकार ठाकुर बारी को मिलता तो ठीक रहता। कुछ लोग, सम पीपल थिंकिंग दैट कि हायर जो है मतलब
ओनरशिप अगर ठाकुर बारी को मिलती तो वेरी गुड होता। तो दूसरे लोग अदर पीपल क्या कहते हैं कि ओनरशिप अगर भाइयों को मिलती तो ये गुड होता। तो सबका अपना अपना जो है थिंकिंग थी, सबका अपना अपनी जो है एक तरह से बोलने का ढंग था, ठीक है ना। तो इस तरह से गांव में हरियर काका का जो टॉपिक है, ये इश्यू जो हुआ हरियर काका के साथ, ये बहुत ही जो है पॉपुलर बनते जा रहा था। ये जो इश्यू है ये पॉपुलर बनते जा रहा था। तो देखिए, अगर आज वर्तमान परिस्थिति में, प्रेजेंट नाउ डेज में, अगर इस तरह की घटना किसी गांव में, किसी विलेज में इस तरह का इश्यू होता, तो वो इशू को जो है न्यूज़ चैनल वाले, मीडिया वाले किस तरह से दिखाते, सोचिए। लेकिन ये जो कहानी जो लिखी गई है ये बहुत पुरानी, ओल्ड है ना। तब लिखी गई, तब जो है हमारे मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया इतना जो है पॉपुलर या इतना डेवलप नहीं था। ओके, अगर आज के सिचुएशन में, मतलब पूरा आज की दुनिया की अगर बात करें, तो यह सिचुएशन, यह इशू जो है एक नेशनल इशू बन जाता था। आप लोग अगर जो इस पर सोच सकते हो बच्चों, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ रहे हैं। ठाकुर बारी के संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती। मतलब एक तरह से ठाकुर बारी के जो सांत और सागास थे और हरियर काका के जो भाई थे, हरियर काका के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन जो है देते थे वो तुरंत, ठीक है ना, सडनली बिजली की तरह, बिजली मतलब करंट की तरह या पे इलेक्ट्रिक पावर की तरह जो है पूरे गांव में जो स्प्रेड हो जाती थी। खबर झूठी है कि सच्ची, या मतलब जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी न्यूज़ मिलती, इट इज कितनी जो है ट्रुथ है या कितना जो है वो फेल है, इस पर कोई विचार नहीं करता। नो वन कैन थिंक, ओके, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लगती वह नमक मिर्च मिला उसे चटका कर आगे बढ़ा देता। मतलब कोई भी हो, अगर वो न्यूज़ सही भी हो या गलत भी हो, लेकिन उसे जो है नमक मिर्च लगाकर आगे पीछे और कुछ बड़ी बड़ी बातें बनाकर गांव में उसे जो स्प्रेड किया जाता था, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू बन गया था हरियर काका का इंसिडेंट। एक खबर आती है कि महन जी और हरियर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरियर काका को खत्म क्यों नहीं कर दिया, बात ही आगे नहीं बढ़ती। हाँ, वन न्यूज़ ये आई कि महेंद्र और भाई भाई लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया, दे फील बैड फॉर वॉट, कि हमने जबरदस्ती फोर्सफुली तो जो है एक तरह से वाइट पेपरों पर काका के थंब इम्प्रेशन लिए, आफ्टर टेकिंग दैट उनको किल, मतलब उनको जो है ख़त्म कर देना चाहिए था, उन्हें हमें जो है लाइफ नहीं छोड़ना चाहिए था। ये खबरें, ये न्यूज़ आने लगी थी। एक दूसरी खबर आती है, अनदर न्यूज़ क्या आती है कि हरियर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुर बारी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफ़ी लड़ाई होगी। आफ्टर डेथ ऑफ हरियर काका के बाद उनको अग्नि देने के लिए, अग्नि मतलब फायर देने के, मरने के बाद हिंदू धर्म में जो है एक तरह से फायर दिया जाता है, तो वो ठाकुर बारी के साधु संत और भाइयों के बीच में काफी फाइटिंग चलेगी, इस तरह की खबर आने लगी। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है, बोथ साइड से। हाँ, काका मरने के बाद हम भी देंगे, महंत और साधु संतों ने भी कहा, और काका मरने के बाद जो है हम भाई लोग हम भी उनको आग देंगे, इस तरह की जो है अफवाह, ठीक है ना, मिस न्यूज जिसे कह सकते हम, है या नहीं, वो पूरी तरह से रूमर्स कह सकते हैं, हम इनको रूमर्स भी कह सकते हैं, तो वो गांव में स्प्रेड हो रही थी। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। मतलब वहाँ मरने के बाद जो भी डेथ बॉडी है उसको जो, उस पर अपना एक तरह से राइट है ना, हाँ, उसको पाने के लिए, एक तरह से रिसीविंग के लिए दोनों ग्रुप के बीच, टू ग्रुप के बीच काफ़ी जो है मतलब लड़ाई झगड़ा फाइटिंग होने वाला है कहकर इस तरह के जो है रूमर्स भी आने लगे थे। एक तीसरी खबर आती है, थर्ड न्यूज़ क्या आती है कि हरियर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बुटन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। हरियर काका के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बुटन लेगा और दखल करा देगा। इससे पहले कि इस तरह के 2-3 मामले बुटन ने निपटाए थे, पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है।
तो एक इन्फॉर्मेशन ये आया कि अब ठाकुर बारी और ठाकुर बारी के संत बहुत सारे लोग हैं, इसलिए भाइयों ने एक प्लानिंग किया। जो विलेज के बाहर रहने वाला एक डाकू डकैत, जो एक तरह से जो है मनी लेकर वर्क करता है, तो उन्होंने ये सोचा कि 15 बीघा में से 15 जो बीघे जमीन थी उनमें से 5 बीघे जमीन भुट्टन डाकू को दे देंगे, डकैत को दे देंगे, और वह जो है ये सिचुएशन को सॉल्व करके हमारी जो है जमीन हमको दिला देगा। इस तरह की बात, इस तरह का एक थर्ड इंफॉर्मेशन न्यूज़ जो है स्प्रेड हो रही थी। एक चौथी खबर, फोर्थ इंफॉर्मेशन क्या आती है, एक चौथी खबर आती है कि महन जी ने निर्णय लिया है, महन जी ने डिसीजन लिया है कि हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को बुलाएगा। मतलब तरह तरह के, दो पूरे पूरे जो है इंडिया से या पूरे कंट्री से जो है तरह तरह के सैंट्स एंड सागा सा नागा बाबाओं को बुलाकर उनके लिए जो है शांति करवाएगा, पूजा पाठ पढ़ाएगा। ठीक है, रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया है। अब इस तरह के डेंजरस न्यूज़ से गांव का पूरा एटमॉस्फियर जो है एक तरह से स्कैरी हो चुका था। दिन प्रतिदिन डेली आतंक का माहौल गहराता जा रहा था। आतंक मतलब एक तरह से भय, ओके, स्केयरिंग का जो माहौल पूरी तरह से जो है स्प्रेड हो रहा था। सबके मन में यह बात है कि हरिहर काका कोई अमृत पीकर तो आए ही नहीं। मतलब अमृत तो जानते हैं जो भगवान पीते हैं, पीने के बाद जो मरते नहीं, तो मरना तो इनको है ही है, सब लोग जानते ही हैं, एक ना एक दिन उनको मरना ही है, वन डे ही विल डाई। फिर भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। फिर भयंकर तूफान, भयंकर मतलब स्केरी फ्लड में सराउंडेड हो जाएगा ये विलेज। कौन सा स्केरी जो है एक तरह से यहाँ पर तूफान की बात हो रही है, झगड़ा किनके बीच में, फाइटिंग किनके बीच में होगी, एक तरह से हरियर काका के भाइयों और महन जी, महंत और साधु संतों के बीच होने वाला जो भयानक लड़ाई होने वाली है, उनसे जो है पूरे गांव वाले डरे हुए थे। उस वक्त क्या होगा, दैट टाइम व्हाट विल हैपन, कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई भी बता नहीं सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं होगी, ये स्मॉल फाइटिंग नहीं होगी, एक बड़ी लड़ाई होगी, जानी अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा। ओके ना, नो और अदरवाइज नोइंग, उसमें गांव के सारे लोग इसके अंदर चपेट में आ जाएंगे। इसलिए लोगों के अंदर भय भी और प्रतीक्षा भी, लोगों के अंदर स्कैर भी था, साथ साथ में क्या था, इंतजार, वेट भी कर रहे थे क्या होगा। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुटलाकर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। मतलब ऐसा वेटिंग था जिसे एक्सेप्ट करने के सिवा दूसरा अदर वे है ही नहीं। और हरियर काका वह तो बिल्कुल मौन हो अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे थे, है ना, मौन मतलब है जो साइलेंट हो चुके थे, और जो भी शेष रह गए थे, ठीक है ना, अब उनके लाइफ के जो भी कुछ बचे सेव जो डेज थे उनके, उसको जो है वो स्पेंड कर रहे थे। एक नौकर रख लिया था उन्होंने, एक सर्वेंट को रख लिया था, वही उन्हें खाना, वही उन्हें बनाता खिलाता था, वही मतलब कुक करता था, उनकी सारी जो है सर्व करता था उनको। उनके हिस्से की ज़मीन में जितनी फसल होती, मतलब 15 बीघे ज़मीन थी उनके पास, आप जानते हैं 15 बीघे ज़मीन पे उनके पार्ट्स में जितना भी क्राफ्ट होता है ना, उससे अगर वो चाहते तो मौज की ज़िंदगी बिता सकते थे, हैप्पीली ही कैन स्पेंड हिज लाइफ। लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए थे, ही वेरी काम हो गए थे, काम हो गए थे, किसी से बातचीत करना, टॉकिंग करना उन्होंने स्टॉप कर दिया था। कोई बात हो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं, कोई उत्तर, कोई आंसर वो देना उन्होंने बंद कर दिया। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते थे, तो ओपन आईज से जो है क्या करते थे, स्काई को जो है सॉ करते थे, मतलब एक तरह से देखते ही रहते थे। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं। सारे गांव के लोग जो है सेंटर ऑफ मतलब डिस्कशन पॉइंट जो था वो हरियर काका ही, लेकिन हरियर काका किसी से बात नहीं करते थे। पुलिस के जवान हरियर काका के खर्च पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे। जो एक तरह से पुलिस के पुलिसमैन को, जो कांस्टेबल्स को समझ सकते हम, रखा गया था, वो हरियर काका के मनी पर बहुत इंजॉय कर रहे थे, जिसका धन वह
रहे उपास, खाने वाले करे विलास। मतलब जिसके पास धन है उसके जो है वो खुद अपना एंजॉय नहीं कर पा रहा, लेकिन कोई गहरा व्यक्ति अनदर पर्सन जो है उसका एंजॉय कर रहे थे। अब तक जो नहीं खाया था दोनों जन उसका भोग लगा रहे थे। मतलब वो जो फोर फोर पुलिसमैन जो थे उनको अभी तक ऐसे खाने का, ऐसे मौज मस्ती करने का, ऐसे एंजॉयमेंट करने का मौका नहीं मिला था जो अब हरियर काका की सर्विंग में या से उनके जो है सिक्योरिटी में उनको उस तरह का फायदा मिल रहा था, प्रॉफिट मिल रहा था। तो इस तरह से ये कहानी, हरियर काका की कहानी हमारी समाप्त होती है कि इसका एंड कैसे है कि परिवार से वो अलग हो गए और अकेले रहने लगे। तो देखिए परिवार हमारे लिए ज़रूरी है सामाजिक जीवन में, सोशल लाइफ में फैमिली इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा। लेकिन हमारी फैमिली के मेंबर्स ही अगर हमारे एनिमी बन गए, ठीक है ना, फैमिली मेंबर्स ही हमारे जो है प्रॉपर्टी के लिए, लैंड के लिए हमारे एनिमी बन गए, तो हम किस पर विश्वास करें, ओके ना, किस पर विश्वास करें, किस पर विश्वास न करें। वही सेम सिचुएशन यहाँ पर हरियर काका की बन गई है कि प्रॉपर्टी तो हमारे मरने के बाद हमारे साथ नहीं आने वाली है, ये लोग समझते नहीं है। तो ग्रीडीनेस, ये लोभ व्यक्ति में जितना होगा उतना ही व्यक्ति जो है नीच नीचे गिरते ही जाते रहता है। यहाँ तक कि स्वयं उसके खून मतलब ब्लड रिलेशन जो उनके ब्रदर्स थे उन्होंने ही उसको मारा, है ना, मतलब हरियर काका को मारा, पीटा, उनको कमरे में बंद रखा, रूम में जो है डाल दिया, उन्होंने खाना पीना भी बंद करा दिया। यहाँ तक कि उनको जो है किलिंग करने के लिए भी वो रेडी हो चुके थे। तो किस लिए? सिर्फ 15 बीघे जमीन के लिए, 15 बीघा वो लैंड के लिए इस तरह का जो है बैड बिहेवियर उन्होंने अपने भाई के साथ किया। तो समाज में यहाँ पर फैमिली का तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रश्न आप लोग को कैसे है, देखिए कथावाचक और हरियर काका के बीच क्या संबंध है और उसके क्या कारण है। कथावाचक मतलब हमारे कहानीकार मिथिलेश्वर और हरियर काका के बीच दोनों में क्या संबंध है, व्हाट इज रिलेशन, और उसके रीजंस बताइए आप, कहकर इस तरह का प्रश्न दिया जा रहा है। नेक्स्ट, आप लोग जानते हैं हरियर का हमारे जो मिथिलेश्वर है वो हरियर काका के गांव से ही है, और जहाँ पर हरियर काका का घर था उनके बगल में ही मिथिलेश्वर जी का भी घर था, तो दोनों जो है नेबर्स थे ये जानते हैं। और बचपन में आप लोग जानते हैं कि हरियर काका ने हमारे मिथिलेश्वर के साथ जो है बहुत अच्छी तरह से मतलब पाल पोस कर उनको जो है बड़ा किया था। वो उनके साथ खेलते थे, कूदते थे, सब कुछ करते थे, एक तरह से फ्रेंड थे उनके, चाइल्डहुड फ्रेंड भी थे एक तरह से, ये बताया जा रहा है ना। मतलब काका तो बड़े थे लेकिन जो छोटे थे तब भी इनके जो मित्र थे मिथिलेश्वर के, कौन, हरियर काका। हरियर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियर काका को अपने भाई उनके ब्रदर्स और महंत एक ही कैटेगरी के, वन कैटेगरी के क्यों लगने लगे, ओके ना, एक ही कैटेगरी के थे ये तो, अपने खुद ओन ब्रदर्स थे, लेकिन महंत जी ने, महंत ने जो एक तरह से हरकतें जो बिहेवियर इनके साथ किया था वही बिहेवियर इनके भाइयों ने किया था, इसलिए उनको एक ही कैटेगरी के पर्सन्स लगे ये दोनों। ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव है उससे उनकी किस मनोवृत्ति का, एटीट्यूड का पता चलता है। गांव वालों के मन में जो है ठाकुर बाड़ी के लिए क्या था, एक तरह से अपार श्रद्धा, अपार भक्ति, डिवोशनल जो फीलिंग थी उससे उनके किस एटीट्यूड का, गांव वालों के किस एटीट्यूड, विलेजर्स के किस एटीट्यूड के बारे में पता चलता है, लिखिए बोलना। अनपढ़ होते हुए भी, इलिटरेट होते हुए भी हरियर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। दुनिया मतलब वर्ल्ड का एक तरह से जो है नॉलेज, है ना, नॉलेज रखते हैं। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए, हाँ, इस स्टोरी के बेस्ड ऑन दिस स्टोरी यू एक्सप्लेन दिस आंसर बोल के आपको प्रश्न दिया जा रहा है। अब हरियर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे, उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया, फोर्सफुली उनको किडनैप करने वाले कौन थे, है ना, ये प्रश्न उठाया जा रहा है, और उनके साथ उन्होंने किस तरह का बिहेव किया, ये बातें। हरियर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसका क्या कारण थे। तो हरियर काका का जो इश्यू हुआ था उस पर गांव वालों के क्या विचार थे, क्या थिंकिंग थी और उसके रीजंस क्या थे, इस तरह का प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए बेचरान दिस स्टोरी, यू कैन एक्सप्लेन दिस, बोल के लेखक ने यह क्यों कहा। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरता है, अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरता है। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए भी तैयार हो जाता है। जब हमें नॉलेज नहीं होता तब हम जो है डेथ से जो है क्या होते, स्केयर होते, लेकिन जब नॉलेज हो जाता है तो हम लोग मृत्यु से डरते नहीं। ऐसा लेखक ने, ऑथर ने क्यों कहा है, आप लोग को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है। ठीक है ना, सोसाइटी में रिश्ते, रिलेशंस, ओके ना, क्या इम्पॉर्टेंट है, इस पर आपको बताना है। नाइन्थ क्वेश्चन है, यदि आपके आसपास हरियर काका जैसे हालत में कोई हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे। इफ़, ओके ना, अगर आपके आस पड़ोस में, आपके नेबर्स में हरियर काका जैसे, ओके ना, हरियर काका के जैसे कोई ऐसा व्यक्ति, अदर पर्सन कोई दिखा, तो हाउ यू हेल्प हिम, बोल के आपको प्रश्न दिया जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, हरियर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती, मैंने बताया आपको, अगर मीडिया है ना, मीडिया की पहुंच होती तो उनकी स्थिति क्या होती, उनका सिचुएशन, वे किस स्थिति में होते, अपने शब्दों में लिखिए। तो इस पर आप लोग को मुख्य रूप से यही प्रश्न आएंगे कि हरियर काका के परिवार के बारे में, हरियर काका के भाई कैसे थे, महंत जी कैसे थे। हाँ, उसी के साथ साथ आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, ठाकुर बाड़ी क्या है, ठाकुर बाड़ी कैसे बनी गांव में, ठाकुर बाड़ी की देखभाल है ना, उसको कौन कौन चलाता था, वो कमेटी के मेंबर्स कौन थे, क्या क्या थे, इस तरह के सारे प्रश्न आप लोगों को पूछा जा सकता है। और बच्चों, आप लोगों को इस पर एक प्रश्न, दो प्रश्न दिए जाएंगे एग्जाम में, और उनमें से कोई एक लिखना है, और 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो यह पाठ हमारा समाप्त हुआ, धन्यवाद।